नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में फिर एक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां महिला के साथ रहने वाले एक युवक ने महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जानकारी देते हुए एडिशनल DCP आलोक शर्मा ने बताया कि क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय पीड़िता की रिपोर्ट पर दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया गया। दरअसल क्षेत्र की रहने वाली महिला आरोपी मोहम्मद जफर नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। आरोपी मोहम्मद जफर ने जब युवती घर में अकेली थी तो उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यह बात पीड़िता ने उसकी मां को बताई तो वह उसे थाने लेकर पहुंची और आरोपी मोहम्मद जफर के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं का मामला दर्ज किया गया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना आजाद नगर में कल एक 19 वर्षीय पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी मोहम्मद जफर सन ऑफ मोहम्मद आबिद, ये मदीना नगर के रहने वाले, इनके खिलाफ 376 506 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण इस प्रकार से है कि फरियादियों द्वारा बताया गया कि ये इसकी माँ जो है वो आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और इसके जब उसकी माँ बाहर थी तो उस समय आरोपी द्वारा इस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया था, जिसकी रिपोर्ट करने पर तत्काल थाने द्वारा इसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को भी हिरासत में। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट TV ऐप।